तो बिहाइंड द सीन वाली जो वीडियो आई है उसके अंदर जो सेकंड नंबर का शॉट हमको दिखाया गया है कैसल बाय का, ये अपसाइड डाउन वाली वही जगह है जहाँ पे विल सीजन वन के अंदर बहुत सारे दिनों तक रहा था वेकना से बचते हुए। इसके साथ में भाई बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। स्ट्रेंजर थिंग के जो भी फैंस लोग हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जो सीजन 5 आने वाला है वो सीजन 4 से और भी लंबा होगा और भी मैसिव होने वाला है इस बार। स्ट्रेंजर थिंग के 8 साल कंप्लीट होने की खुशी में इन लोगों ने सीजन 5 की जो भी शूटिंग का काम चल रहा था उसके ऊपर एक वीडियो लाई बिहाइंड द सीन वाला, और इस बिहाइंड द सीन के अंदर जो पहला ही शॉट हमको देखने को मिलता है ये सीजन 5 का ओपनिंग शॉट भी हो सकता है। वेल, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो थोड़े दिनों पहले स्ट्रेंजर थिंग वालों ने एक स्क्रिप्ट बाहर निकाली थी, मतलब छोटा सा पार्ट था, कोई बड़ा पार्ट नहीं था, जिसके अंदर चैप्टर का नाम था और एक स्टार्टिंग का सीन था। इस सीन के अंदर मेंशन है द साउंड ऑफ कोल्ड वाइन ग्रोनिंग ट्रीज एंड अ चाइल्ड वॉइस सिंगिंग अ फेमिलियर सॉन्ग। और ये चाइल्ड पहले मेरे को लग रहा था कि मैक्स होगी शायद तक से, लेकिन नहीं, ये विल है। पर इसको चाइल्ड क्यों बोला गया है? पहले मेरे को मैक्स इसीलिए लग रही थी क्योंकि सीजन 4 के अंदर जिस तरीके से इसकी हालत थी, मेरे को लग रहा था कि अब स्ट्रेंजर थिंग वाले शायद तक से इसकी बैक स्टोरी पे फोकस करेंगे, इसका चाइल्डहुड के बारे में हमको थोड़ा बहुत बताएंगे। लेकिन अभी भी मेरे को शॉकिंग चीज पता चली है कि जो विल है उसका चाइल्डहुड हमको फिर से दिखाया जाएगा। मतलब सीजन 1 में कुछ एक आधा सीन छूट गया होगा जो कि हमको वापस दिखाया जाएगा, उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकलेगा इस वाले सीन के अंदर। और विल का चाइल्डहुड किसी और एक्टर, मतलब छोटे बच्चे ने प्ले किया है, जैसे कि पिछले वाले सीजन में 11 का कैरेक्टर एक छोटी बच्ची ने प्ले किया था, वैसे ही कुछ कुछ इस बार भी होगा। वो अपसाइड डाउन में गया था तब, या फिर उसके लाइफ के कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट जो कि सेंस बनाते हो सीजन 5 के अंदर, वो हमको दिखाया जा सकते हैं। सीजन 5 को लेके एक और शॉकिंग चीज सामने ये निकल के आई है इस बिहाइंड द सीन के अंदर से कि पिछले वाले सीजन की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि वेकना ने हॉकिंस की 12 बजा डाली थी, मतलब कि भाई धुआं धुआं निकल रहा था, पूरा शहर की तबाही मचा डाली थी, रोड फट गई थी बीच में से। लेकिन अब हम लोग देख पाते हैं इस वाले बिहाइंड द सीन के अंदर कि हॉकिंस जो स्कूल है वो रिकवर हो चुकी है पूरी तरीके से। अब ये चीज सेंस कैसे बनाएगी? तो सीरीज के अंदर तो कुछ ऐसे सेंस बना सकती है कि जब वेकना रिकवरी कर रहा था, मतलब कि वो भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, तो वो जब रिकवरी स्टेज में था तब हॉकिंस सिटी ने भी अपनी रिकवरी कर डाली। और दूसरा तरीका कि डायरेक्टर ने हमको पहले ही बोल दिया है कि हम लोग टाइम जंप दिखाएंगे, मतलब कि सीजन 4 और सीजन 5 के बीच में 1 सालों का गैप होगा या फिर 2 सालों का गैप होगा सीरीज के अंदर, मतलब जो चीजें जहां से एंड हुई थी वहां से 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद टेक प्लेस करेगी। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि इस सीरीज की शूटिंग का काम 50% कंप्लीट हो चुका है, इसी बिहाइंड द सीन वाले वीडियो के अंदर डायरेक्टर ने खुद कंफर्म कर दिया है। We're about halfway through filming now. मतलब कि अगले साल इसी टाइम तक ये सीरीज आ जानी चाहिए अगर सब कुछ अच्छा गया तो। फिर हमको इस सीरीज के अंदर फ्रैंक डेराबॉन दिखते हैं, और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने द ग्रीन और द वॉकिंग डेड जैसी मूवीज एंड शो बनाए हैं। और र्यूमर्स ये है कि ये स्ट्रेंजर थिंग के 2 एपिसोड डायरेक्ट करने वाले हैं, एपिसोड नंबर 3 और 5। फिर हमको मैक्स का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सैदी सिन्हा दिखाई जाती है जो कि क्लोथ डिपार्टमेंट के अंदर जाके मैक्स के उसी आउटफिट को हाईलाइट करती है। इसी आउटफिट के अंदर सीजन 4 के अंदर बड़े बड़े कांड हुए थे, और अभी तक उसने वो हॉस्पिटल वाली व्हाइट कलर की गाउन ही पहन के रखी है। इट मीन्स कि वो अभी भी हॉस्पिटलाइज है। अगर आपको याद नहीं हो तो सीजन 4 के अंदर इसके साथ जो दुर्घटना हुई थी, वेकना ने कोमा के अंदर चली गई थी, ये अब वो इस सीजन के अंदर कोमा से बाहर आएगी या फिर उसको टपकाएंगे ये पता नहीं है भाई, लेकिन चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि उसको टपकाने वाले हैं ये लोग। इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग की कुछ क्लिप के अंदर हमको डस्टिन दिखाया जाता है जो कि बाइसिकल लेके कहीं पे जा रहा होता है। अब ये और कहीं नहीं बल्कि एडी की कब्र के पास श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जा रहा है। और मैं ये चीज इतने दावे के साथ इसीलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि थोड़े दिनों पहले स्ट्रेंजर थिंग वालों ने एक फोटो अपलोड किया था जहां पे डस्टिन इसी आउटफिट में एडी की कवर के पास खड़ा हुआ था। फिर हमको ओरिजिनल 4 दिखाए जाते हैं जिनके द्वारा स्ट्रेंजर थिंग की स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और उनके बहुत सारे शॉट हमको दिखाए जाते हैं। मेरे हिसाब से सीजन 5 की स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी कि हॉकिंस में सब कुछ ठीक हो चुका है, पहले की तरह हम लोग देख भी पाते हैं कि ये 4 हॉकिंस हाई स्कूल के अंदर जा रहे हैं, वहां पे पढ़ाई वगैरह मस्ती वगैरह कर रहे हैं। एक दिन ये लोग पिकनिक मनाने की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से जंगल में जाते हैं, इनको कुछ संदेह हुआ होगा शायद तक से, और वहां पे विल को कुछ महसूस होता है क्योंकि ये वेकना के साथ में कनेक्टेड है
और यहीं से बूम बम चालू होगा सीजन 5 का। और स्ट्रेंजर थिंग वालों ने पहले ही ये क्लियर कट बोला है कि इस बार स्टोरी ज्यादातर विल के ऊपर फोकस होगी, मतलब कि सीजन 1 में जैसा था वैसा ही कुछ कुछ इस बार देखने को मिलेगा। सीजन 2, 3, 4 में 11 पे ज्यादा स्टोरी फोकस थी, उसके बारे में हमको ज्यादा बताया जा रहा था, लेकिन इस बार विल के बारे में ज्यादा बताया जाएगा। और याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उसके बारे में, उसके चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताया जाएगा, तो बिहाइंड द सीन वाली जो वीडियो आई है उसके अंदर जो सेकंड नंबर का शॉट हमको दिखाया गया है कैसल बाय का, ये अपसाइड डाउन वाली वही जगह है जहाँ पे विल सीजन 1 के अंदर बहुत सारे दिनों तक रहा था वेकना से बचते हुए, या फिर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सबको बचते हुए वो इसी हट में रहा था। कहानी में बहुत सारे नए कैरेक्टर जुड़े हैं, लुकस की बहन के साथ में एक कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है, और लोगों ने भाई अभी से इसको हेट करना चालू कर दिया है, भाई आने दो पहले उसको। इसके साथ में भाई बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए इतना ही रखते हैं। और हाँ भाई, स्ट्रेंजर थिंग बहुत ज्यादा ऑसम चीज है, इन लोगों ने जो भी बनाया है थैंक यू नेटफ्लिक्स भाई इतनी अच्छी सीरीज बनाने के लिए और इस पे बहुत ज्यादा पैसा फूकने के लिए। जब भी मैं सोचता हूँ कि भाई हॉकिंस तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दिमाग में कुछ अलग साउंड करता है। और हाँ, अगर आप लोगों के भी दिमाग में अभी तक यही छपा हुआ है कि हाँ हॉकिंस एक रियल जगह होगी अमेरिका साइड में, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिटी एग्जिस्ट करती है पर ये रियल स्टोरी नहीं है। ऐसा जो भी हो भाई, स्ट्रेंजर थिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं चाहूंगा कि ये सीरीज आए उससे पहले मैं एक बार इसको और ज्यादा देख लूं और अच्छे से फैन थ्योरी बना के आपके सामने पेश करूं। और हाँ, सीजन 5 को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपकी फैन थ्योरी प्लीज मुझे जरूर बताना, आप जो भी सोचते हो एक्स वाई जेड मुझको जरूर बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का सोच लेना एक बार।